श्रावस्ती जनपद के किसान कल्याण मिशन के शुभारंभ पर कृषि मेले व गोष्ठी का आयोजन। जनपद में आज किसान के हित को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा किसान कल्याण मिशन के शुभारंभ पर श्रावस्ती में कृषि विभाग द्वारा कृषि मेला व गोष्ठी का आयोजन किया गया। जनपद के किसान को जागरूक करने के लिए विभिन्न कृषि स्टॉल व आधुनिक तकनीक की मिशनरी के बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसान को किया संबोधित। वहीं इस दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए दूरदराज के किसानों को बुकलेट व कैलेंडर के माध्यम से किसानों को पढ़ाया जागरूकता का पाठ। इस दौरान जनपद के 120 किसानों को भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किया गया प्रस्तुत पत्र देकर सम्मानित। यूपी लाइव 100 न्यूज से बुजो अहमद की स्पेशल रिपोर्ट। मनुष्य के मूलभूत सुविधाएं हैं, जहां से मनुष्य की जीविका चलती है उसकी सारी सुविधाएं हैं। सारे विभाग के अधिकारी अपने अपने यहां पे प्रदर्शनी लगाए हैं। सरकार ने जो भी जन कल्याणकारी लोक हितकारी योजनाएं लॉन्च किया है और खासकर जो हमारी सरकार की मंशा है कि जैविक पर फसल उगाई जाए, सब्जी उगाई जाए, दूध उत्पादन किया जाए, जिससे तमाम बीमारियों से हमारे प्रदेश की जनता को राहत मिल सके, इस पर ज़्यादा फोकस है। और तो सभी विभागों के लोग आज हमारे यहाँ 900 आवास स्वीकृत हुए हैं, उनकी भी पूर्ति है, पशुपालन पे भी है, कृषि पर भी है, सभी विभाग के विभागाध्यक्ष आए हुए हैं। इसी कार्यक्रम में आज गोष्ठी का आयोजन किया गया है और जो सरकार तक जन जन तक पहुँचाने का काम हमारी कर्मयोगी मुख्यमंत्री की सरकार कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या फॉर्मूला बीजेपी अपनाएगी? किसान की आय दोगुनी होगी। 2012 में 1200 रुपए में धान बिक रहा था, आज हमारा धान 1868 रुपए में बिक रहा है। उस समय गन्ने का मूल्य 225 रुपया था, आज गन्ने का मूल्य 330 रुपया है। किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो? आय दोगुनी नहीं है तो है क्या? और अगर जैविक पे लोग खेती करेंगे तो 2 गुना नहीं 3 गुना आय हो जाएगी किसानों की। जब भर्ती 1 रुपया लगेगी नहीं, पूंजी 1 रुपया लगेगी नहीं और अच्छी तरीके से हमारे यहाँ फसलें उगाई जाएंगी, सब्जियाँ उगाई जाएंगी, तो किसान की आय अपने आप में 2 गुनी नहीं 3 गुनी होगी। धन्यवाद। किसान कल्याण मिशन के माध्यम से हम जो सरकारी योजनाएँ हैं जिनसे हमें किसानों का विकास करना है, खेती का विकास करना है, विभिन्न लाभार्थी पर योजनाएँ हैं उनको जनता तक पहुँचाना है। हम आज यहाँ पर कृषकों को दूर दराज से बुला करके उन्हें वैज्ञानिक चर्चा के द्वारा, नई तकनीक के द्वारा और उन्हें विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित करना, उन सब कार्य कर रहे हैं। हमने एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया हुआ है जिसके माध्यम से हम विभिन्न FPO NRLM के महिला समूह और विभिन्न प्राइवेट संस्थाएँ और सरकारी विभाग वहाँ पर अपनी अपनी जो प्रगतिशील तकनीक है, उन्नति तकनीक है, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जी भी, विधायक जी उपस्थित हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर कृषकों से वार्ता की है और प्रमाण पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया है। सर, कहीं ना कहीं किसान कन्फ्यूज़ हैं कि उनकी आय दोगुनी कैसे होगी, सर इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पहली चीज़ है उत्पादन को बढ़ाना, दूसरी चीज़ है कि जो अनावश्यक खर्चे कृषक करते हैं, जैसे जरूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना, जरूरत से ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल करना, उनको रोकना, और तीसरे उत्पादन में वृद्धि करना और उसका सही ढंग से मार्केटिंग के द्वारा लाभ प्राप्त करना। सर, आज जनपद में कितने किसानों को सम्मानित किया जाएगा? आज हम करीब करीब 120 कृषकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं और आवश्यक सामग्रियाँ जो योजना की है वो भी। सर, एक दो स्पेसिफिक योजना जिनके लिए सम्मानित किया जाए? परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत आज हम उन्हें कृषि निवेश उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो फार्म मशीनरी बैंक के अंदर हमें ट्रैक्टर और घरेलू उपकरण उपलब्ध कराए हैं, उसकी भी चाबी माननीय विधायक जी द्वारा।